कृष्णा आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस सन 2018 के अंतिम रविवार साप्ताहिक प्रोग्राम में. हरि बोल. आप में से कितने भक्त लोग एक साल में 52 सप्ताह होते हैं, 52 संडे रविवार. आप में से ऐसे कौन से मेधावी भक्त हैं जो पूरे के पूरे 52 के 52 रविवार को आए. वाह वाह, वेरी गुड. एक दो और, इनके लिए तो स्पेशल हरी बोल होना चाहिए. हरी हरी वो. कितने लोग 50% 26 रविवारों में आए सीधा ही. अरे वाह, वेरी गुड. हरी हरी बोल. कितने लोग एक रविवार कम से कम एक आए हैं सब. कितने लोग आज पहली बार ही आए हैं, किनका ये आखिरी रविवार आज का पहला इस साल का. कितने लोग आप पहली बार ही आए हैं, तो इनके लिए भी स्पेशल हरी बोल. हरी बोल. तो देखिए, आप लोगों ने बोलना शुरू कर दिया होगा एक दूसरे, अपने मित्रों को, संबंधियों को. क्या बोलना शुरू कर दिया होगा? कल भी बोलेंगे, परसों भी बोलेंगे, अगले हफ्ते 10-15 दिन बोलते रहेंगे, है ना. व्हाट्सएप में मैसेज भेजेंगे, फेसबुक में मैसेज भेजेंगे. अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है. आपके लिए नया साल मुबारक हो, हम भी आपको बधाई देते हैं. आपके लिए आने वाला नया साल शुभ हो, मंगलमय हो, खुशियों से भरा हुआ हो, है ना. ये हमारी इच्छा है. और एक दूसरे को हम बोलते भी हैं, लेकिन थोड़ा सोचें, आज से लगभग एक साल पूर्व, ठीक एक साल पहले 2017 31 दिसंबर, तब भी हम एक दूसरे को यही बोल रहे थे. यही बोल रहे थे. और उसे दो साल पहले जाएं, 31 दिसंबर 2016 तब भी यही बोल रहे थे. और 10 साल पहले जाएं, 31 दिसंबर 2008 तब भी यही बोल रहे थे. और हर साल हम बोलते हैं एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर, बट आप मंदिर में बैठे हैं, ईमानदारी से बताना, क्या हमारे बोलने से नए साल में कुछ फर्क पड़ता है? हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. फिर भी हम बोलते हैं. बोलते क्यों हैं कि वास्तव में हम चाहते हैं, हम बहुत चाहते हैं कि हम सबके लिए नया साल खुशमय हो, लेकिन बोलने के बाद भी होता नहीं है. तो ऐसा क्यों, क्यों नहीं हमारी इच्छा पूरी होती, क्यों नहीं हमारी शुभकामना एक दूसरे को लगती, और वास्तव में हमारा जो नया साल हो बिल्कुल नया हो, जैसे प्रभु जी कह रहे थे. तो हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे. अगर कोई व्यक्ति एक ही कार्य को बार बार कर रहा है, और बार बार एक ही कार्य को कर रहा है, एक तरीके से कर रहा है, और वो आशा कर रहा है कि हर बारी परिणाम अलग हो, तो उसको क्या कहेंगे? हाँ महामूर्ख बोलेंगे. एक ही कार्य कर रहे हैं बार बार, और बोलता है नहीं, अब परिणाम अलग होना चाहिए. परिणाम तो वही आएगा. तो इसी ढंग से इतने सालों से हम दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर तो बोल रहे हैं, लेकिन कुछ हैप्पीनेस आ नहीं रही. और फिर हम भी आशा करते हैं नहीं, इस बार तो हैप्पी होगा, क्योंकि 1 जनवरी आ तो हैप्पी होना चाहिए, लेकिन होता तो है नहीं. तो उसको क्या है इसका मतलब? कि हम लोगों को वास्तव में अगर नए साल को नया बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नया करना, तब कुछ बदलाव आएगा. जब तक कुछ बदलाव नहीं करेंगे अपने एक्शंस में, तो रिजल्ट कैसे बदल जाएगा? बदल सकता है रिजल्ट? बिना अपने कार्यों के बदले परिणाम तो बदल नहीं सकता. तो आज हम चर्चा करेंगे ऐसे कुछ कार्यों को बदलें ताकि हमारे जीवन में वास्तव में खुशी आए. आप देखते हैं संसार में आज चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है. हम लोग तो दिल्ली में रहकर बहुत परेशान है, इतना पॉल्यूशन है. और बताया जा रहा है कि दिल्ली में पंजाबी बाग जो एरिया है, नंबर 3 पे है पॉल्यूशन में. और हमारे सौभाग्य या दुर्भाग्य और बढ़ जाता है कि साथ में हमारा इतना सुंदर नाला भी है. बढ़िया बढ़िया दुर्गंध आती है, मच्छर होते हैं. तो क्या जीना है? आप देखिए कितनी कठिनाइयों में. ये तो राधा राधे करमन जी का सहारा है, हमारा जीवन निकल रहा है. लेकिन पूरे समाज की बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है ना. आज युवाओं में इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है. आपको कुछ आंकड़े बताते हैं. ऐसा बताया गया है कि कितनी गलत आदतें युवाओं को लग गई हैं, क्योंकि वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं. 55% भारत के जो टीनेजर्स हैं वो आजकल ड्रग्स लेते हैं. हम लोग प्रचार करते हैं, बड़े बड़े IITs कॉलेज में जाते हैं, NITs में जाते हैं, MBA कॉलेज में जाते हैं. जितना रिप्यूटेड कॉलेज है उतनी ज़्यादा वहाँ बुरी आदतें हैं. 55% टीनेजर्स, ये बहुत बड़ी बात है.
45% 12th class के students नशा करते हैं, शराब पीते हैं. पूरे विश्व में इस समय 30 करोड़ मानसिक रोग के पेशेंट्स हैं, रिकॉर्डेड जो है. कितने? 30 करोड़. और भारत में इसमें 5 करोड़ हैं, 16% भारत में मेंटल डिसऑर्डर्स के केसेस हैं. और ये मानसिक रोग इतने बढ़ गए हैं कि भारत में प्रतिदिन हर दिन 371 लोग आत्महत्या करते हैं. इतनी बुरी हालत है समाज की. तो समाज किस दिशा में जा रहा है, ये सोचने की बात है. कोई भी खुश नहीं है. ये नहीं कि कोई निर्धन व्यक्ति परेशान है या जिसके पास रोजगार नहीं वो परेशान है. अमीर हो, निर्धन हो, कोठियों में रहने वाला हो, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला हो, सभी के सभी परेशान हैं. और इतने डिप्रेशन के केसेस बढ़ गए हैं. एक बार एक साइकोलॉजिस्ट था, उसके पास बड़े डिप्रेशन के केसेस आते थे. तो एक बड़ा क्रॉनिक पेशेंट हो गया डिप्रेशन का, ठीक ही नहीं हो रहा. सारी दवाइयाँ कर ली, सुला के देख लिया, इंजेक्शन लगा लिए, सब ट्रीटमेंट कर लिए, वो ठीक ही नहीं हो रहा. तो डॉक्टर ने बोला उसको, अब मैंने आपके लिए एक नई अल्टरनेट मेडिसिन सोचा है, बहुत नया तरीके से आपका डिप्रेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा. बोले क्या है? बोले पास में ही पड़ोस में सर्कस लगी है, वहाँ जाओ. मैंने कई पेशेंट्स को वहाँ भेजा है और वहाँ जाके वो वहाँ पे ऐसा जोकर है, वो इतना हंसाता है, इतना हंसाता है, आप सारा डिप्रेशन भूल जाओगे. जय श्री श्री राधा राधिका हरिमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की. बोले मेरे कई पेशेंट्स वहाँ पे गए हैं, सारी मेडिसिन छोड़ के उनका डिप्रेशन बिल्कुल ठीक हो गया है, तो आप वहाँ जाओ. तो वो व्यक्ति कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो डॉक्टर उसको प्रेरणा देता है, देखो जाओ तो सी, आप इतने निराश क्यों हो, मैं बता रहा हूँ ठीक हो जाओगे. कहते हैं नहीं नहीं, कोई आशा नहीं है, मैं नहीं ठीक हो सकता. बोले जाते क्यों नहीं, वो वहाँ में बहुत अच्छा जोकर है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, कई पेशेंट्स वहाँ ठीक होंगे, आप जाओ तो सी. बोले मैं ठीक नहीं हो सकता, कोई चांस नहीं. बोले क्यों, ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि डॉक्टर साहब वो जोकर मैं ही हूँ. तो जो जोकर सर्कस में सबको हंसा के सबका डिप्रेशन दूर कर रहे हैं, तो वास्तव में वो भी डिप्रेस्ड है. तो हम सबकी हालत है. हम ऊपर से दिखा सकते हैं कि हम बहुत बढ़िया चल रहे हैं, हाउ आर यू, हम बोलते हैं वी आर फाइन, बट अंदर में सब व्यक्ति परेशान है. तो कैसे इन परेशानियों से ऊपर उठा जाए, क्या किया जाए? तो देखिए, मनुष्य जीवन और पशु जीवन और निम्न योनि में कुछ अंतर है. मनुष्य जीवन के पास, मनुष्य योनि में एक विशेष उपहार दिया गया भगवान के द्वारा. कोई बता सकते हो विशेष उपहार क्या है? मुस्कुराना. एक एक करके प्रभु जी कहते हैं मुस्कुराना. आपको क्या लगता है, पशु नहीं मुस्कुराते? मुस्कुराते हैं, चिंपांजी मुस्कुराता है, कुत्ता. हाँ, भक्ति, वेरी गुड. हाँ, सत्संग करना, जिज्ञासा कर सकता है. जिज्ञासा तो पशु पक्षी भी करते हैं. एक पक्षी दूसरे पक्षी से पूछता है दाना कहाँ है, है ना? आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं. यस माता जी, पीछे. दिमाग तो बिल्ली में बड़ा तेज होता है, वो देखती है मालकिन घर में नहीं है तभी दूध पीने आती है, है ना? हाँ, चेतना पशुओं में भी होती है, पेड़ में भी होती है. मनुष्य के पास एक विशेष उपहार है भगवान के द्वारा दिया हुआ, भगवान की सेवा. अपने आप को भवसागर से पार. यस, अच्छे उत्तर दे रहे हैं आप सब. मनुष्य को जो विशेष उपहार प्राप्त हुआ है वो है उसकी फ्री विल, स्वेच्छा की शक्ति. हमारे पास ये विशेष गिफ्ट है, स्पेशल गिफ्ट है कि हम अपना भविष्य निर्धारित कर सकते हैं. हमारे पास इच्छा शक्ति है. बाकी योनियों में, निम्न योनियों में, ये इच्छा शक्ति नहीं है. जैसे कि एक कुकुर को, अगर कुत्ते को गुस्सा आ रहा है तो वो भौंकेगा ही भौंकेगा. ऐसा नहीं है कि वो अपने गुस्से को कुछ कंट्रोल कर लेगा या जड़े मधुर ढंग से भौंकेगा. माइंड है,
उसमें बहुत माइंड है. एक कुत्ता ये सहन नहीं कर सकता कि दूसरा दूसरे एरिया का कुत्ता उसके एरिया में आ जाए, खदेड़ के बाहर कर देगा. माइंड पूरा है लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकता अपने गुस्से को. लेकिन जो मनुष्य है अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता है, अपने भावों को रोक सकता है, अपनी शक्ति को सही दिशा दे सकता है. तो हमारे पास ये फ्री विल है और ये हमारी सबसे बड़ा हमारी संपत्ति है और हमें इस संपत्ति का बहुत सोच समझ कर उपयोग करना चाहिए. अगर हमने अपनी स्वेच्छा का सही उपयोग किया तो हम इसी मनुष्य जीवन में इस कर्म जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते हैं और असली शाश्वत आनंद प्राप्त कर सकते हैं. और अगर हमने इस स्वेच्छा का फ्री विल का गलत उपयोग किया तो हम अगले जीवन में निम्न योनियों में जा सकते हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बन सकते हैं. तो बहुत कुछ निर्भर करता है कि हम अपना ये स्वेच्छा फ्री विल कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, ये हमारी संपत्ति हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं. जैसे कि एक मनुष्य जिसको कि धन कमाने की चिंता रहती है तो बहुत समझ के एक एक पैसे को इन्वेस्ट करता है, मैंने कहाँ इन्वेस्ट करना है ताकि इसका रिटर्न ज़्यादा मिले. उसी प्रकार से हर समझदार मनुष्य को ये जानना चाहिए कि मैं अपनी चेतना कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ ताकि इसका रिटर्न सबसे ज़्यादा मिले. और सबसे बढ़िया रिटर्न क्या होगा कि दोबारा इस जन्म मृत्यु के चक्कर में ना आना पड़े. तो जिस जगह पे हम अपनी चेतना को लगाते हैं वो निर्धारित करता है कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी और हमारा भविष्य क्या होगा. आप लोगों ने अपने जैसे उदाहरण के लिए, आज रविवार है, आप लोगों ने अपनी स्वेच्छा का सही उपयोग किया कि आप मंदिर में आ गए सर्दी के मौसम में भी. अगर आप चाहते अपनी स्वेच्छा का गलत उपयोग करते आप कहीं पीवीआर में घूम रहे होते, लेकिन आप यहाँ पे आ गए, आपने स्वेच्छा का सही उपयोग किया. कल 31 दिसंबर होगा, अगर आपने स्वेच्छा का गलत उपयोग करना तो आप क्लब्स में जा सकते हैं, होटल्स में जा सकते हैं या घर में टीवी देख सकते हैं. लेकिन आप सही उपयोग करेंगे तो आप मंदिर में आएंगे, भक्तों के साथ रंगारंग कार्यक्रम में भाग लेंगे. तो क्या है, इस स्वेच्छा का सही उपयोग करना है. तो हम सही अगर स्वेच्छा का उपयोग करेंगे तो हम वास्तव में इसी जीवन में और अगले जीवन में भी वास्तविक आनंद प्राप्त करेंगे. और इस स्वेच्छा का गलत उपयोग किया तो हम देख रहे हैं समाज की क्या हालत है. आज पूरे समाज की दुर्गति इसलिए है कि कोई उनका मार्गदर्शन करने के लिए नहीं है कि हमारे पास ये दुर्लभ जो उपहार है इसका कैसे उपयोग करना है. तो भगवद गीता हमारे जीवन का एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, वो हमें बताता है कि अपनी स्वेच्छा इस शक्ति का कैसे उपयोग करना है. तो आज हम गीता से श्लोक लेंगे जो 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है. ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है और बहुत ही ये भगवान इसमें वचन दे रहे हैं हमें और भगवान के इस वचन को हम चर्चा करेंगे. अनश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभयुक्तानां योगक्षेमा वहाम्यहम्. तो भगवान इसका अनुवाद बता रहे हैं, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं. मेरे पीछे दोहराइए, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं. तो भगवान बता रहे हैं कि कोई उनका चिंतन करता है तो फिर उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. जैसे हमने बताया कि हमारे पास स्वेच्छा है, इच्छा शक्ति है, हर क्षण हर पल हमारे पास दो विकल्प होंगे, चाहे हम ये करें क्या ये करें. तो हम अब किस जगह अपनी इच्छा का उपयोग करते हैं, तो विकल्प है या तो हम अपने सांसारिक चीज़ों की चिंता करें या भगवान का चिंतन करें. तो अक्सर हमें चिंता किस बात की होती है, चिंता इस बात की होती है कि जो मेरे पास नहीं है वो कैसे मिलेगा और जो मेरे पास है उसकी मैं कैसे रक्षा करूँ, कोई छीन ना ले, ये चिंता रहती है ना. किसी के पास धन नहीं है तो सोचते धन कैसे मिलेगा और किसी के पास धन है तो उसकी ये चिंता है कोई इसको छीन ना ले, इसकी रक्षा कैसे करूं. तो भगवान कहते हैं
इसकी चिंता आप छोड़ दो, जो आपके पास नहीं है वो मैं दूंगा और जो आपके पास है मैं उसकी रक्षा करूंगा, चिंता तो आप छोड़ दो, फिर क्या करो, बस मेरा चिंतन करो। कितनी सुंदर बात बता रहे हैं, बोले तुम मेरा चिंतन करो, तुम्हारी चिंता का बोझा मैं उठाऊंगा, वहामी अहम, खुद कह रहे हैं वहामी अहम, अगर आपको थोड़ी सी संस्कृत आती हो, वहामी मैं स्वयं उठाऊंगा, ये नहीं किसी को बोलूंगा इनकी चिंता दूर कर दो, नहीं मैं खुद आपकी चिंता दूर करूंगा। एक बारी अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा भाई आपके हिंदू धर्म में पता नहीं क्या है, छोटी छोटी बात पे भगवान खुद अवतार ले लेते हैं, है ना, हमें तो समझ में नहीं आता क्या आपका है, खुद आपको छोटी छोटी बात पे खुद थोड़ी आना चाहिए। तो बीरबल बड़े प्रैक्टिकल आंसर दिया करते थे, वो सीधा आंसर नहीं देते, बड़े टाइम आने पर बताऊंगा। तो कुछ समय के बाद अकबर की संतान होती है, तो बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है ना, उस जश्न में यमुना के तट पे नौका विहार हो रहा है, संगीत बज रहा है और अकबर पूरे ऊपर सिंहासन पे बैठे हैं। तो बीरबल ने सारी तैयारी कर रखी होती है, बीरबल ने कहा जो उसकी काया होती है, बोले देखो बच्चे के लिए क्या करना है, एक छोटी सी गुड़िया ले लो और उसको सफ़ेद से कपड़े में लपेट लो, है ना, तो उस गुड़िया को ऐसे ऐसे करो। अकबर को दूर से लगा कि उसका उसका पुत्र है, तो वो आया नाव में थी और ऐसे ऐसे कर रही थी, संगीत बज रहा था, नृत्य चल रहा था, सब बड़ी खुशियां मना रहे थे, जश्न मना रहे थे और वो आया यूं कर रही थी और अकबर ऊपर सिंहासन में बैठा था। ऐसे करते करते उसने क्या किया, उस आया ने जोर से उछालते उछालते उस जो गुड़िया को जो दूर से रखा था बच्चा था उसको नदी में गिरा दिया। अब जैसे ही नदी में गिराया, अकबर ऊपर सिंहासन में बैठा था, भागते हुए नीचे आया और पानी में कूद गया और पानी में कूद के उसको निकाला और बाहर आए तो बोले करे ये तो गुड्डा है। तो उसने बीरबल से कहा, बीरबल ये क्या मतलब है, है ना, मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों। तो बीरबल ने कहा जहाँ पना आपको खुद आने की क्या आवश्यकता थी, किसी को भी बोलते बचा लो, बोले नहीं मैंने सोचा मेरा पुत्र है, बोले हाँ इसी ढंग से भगवान भी ऐसा सोचते हैं कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा अंश है, इसको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। तो भगवान खुद अपने भक्त का बोझा उठाते हैं। दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध आचार्य थे जिनका नाम था अर्जुन आचार्य। शिला प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में इसी श्लोक के प्रवचन में कथा सुनाते हैं। तो अर्जुन आचार्य थे, बहुत ही दरिद्र थे लेकिन भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे। तो उन्होंने जब ये श्लोक पढ़ा, अनचिंतयंतो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य भयुक्ता नाम योगक्षेम महामेहम, कि भगवान खुद बोझा उठाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगा, छोटे काम के लिए भगवान को क्यों तकलीफ देना। तो उन्होंने क्या किया, वहामी अहम के ऊपर लाइन मार दी, काट दिया, वहामी अहम भगवान खुद थोड़ी करेंगे, परास्य शक्ति विधे वसुयते, भगवान पास तो कई शक्तियां हैं, किसी को भी बोल देंगे हो जाएगा, खुद क्यों करेंगे। उन्होंने लाइन काट दी और फिर अपनी पत्नी से वहां में अभी स्नान करके आ रहा, दरिद्र थे स्नान करने चले गए। तो तभी क्या होता है कि दरवाजा खटखटाता है, तो देखते हैं कि उनकी पत्नी देखती है कि दो बहुत सुंदर सुंदर बालक, बहुत ही सुंदर बालक, ऐसी सुंदरता उनकी पत्नी ने देखी नहीं थी। एक जैसे आप बोलते हैं ना वो एक बांस होता है और बांस में दो हांडियां लगी होती हैं, क्या कहते हैं उसको, आप समझ गए, कावा टाइप जैसे होता है, और उसमें पूरा उन हांडियों में दोनों ने बहुत पूरा राशन का सामान, गेहूं आटा चावल और बड़ी बड़ी सब्जियां फल बढ़िया बड़े उठा के ला रहे हैं, छोटे छोटे बालक, तो इतने कोमल से बालक। उसकी पत्नी देखा, अरे क्या क्या रहे इतने, क्या किसने भिजवाया है सामान, बोले आपके पति देव ने। अरे मेरे पति देव ने इतना सामान भिजवा दिया और आप जैसे कोमल मासूम बालकों से, बोले क्या करें हम तो मना भी कर रहे थे और देखो उन्होंने हमारी पिटाई भी की और देखा पीठ पे पीछे निशान। पत्नी को बड़ा क्रोध आया, मेरे पति ऐसे कैसे क्रूर हो गए, बोले ठीक है ऐसे कैसे कर दिया, अच्छा अच्छा बैठो मैं आपके लिए भोजन बनाती हूँ। कहती नहीं 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 आपके पति आ जाएंगे, हम तो डर लग रहा भाग गए वो। तो पत्नी बड़े क्रोध में थी, अर्जुन आचार्य स्नान करके आए तो देखा पति बड़े क्रोध में बैठी है, बोले मुझे नहीं मालूम था आप इतने क्रूर हो, आपके अंदर कोई दया नहीं है, आपने ऐसा ऐसा कर दिया, दो छोटे बच्चे मासूम बालकों के ऊपर इतना अत्याचार, और मैंने आपसे कभी कोई शिकायत नहीं की, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतना सामान भिजवा दिया आपने, कहाँ से ये सामान आया और कहाँ से आपने ये बच्चों को इतनी पिटाई भी की। तो कह रहे क्या बात कर रहे, ना मैंने सामान भिजवाया ना मैंने पिटाई की। बोले नहीं नहीं ऐसे सुंदर सुंदर बालक थे,
जब उन्होंने बालकों की सुंदरता का वर्णन किया तो अर्जुन आचार्य को लगा कुछ गड़बड़ है, है ना। और जब उन्होंने जाकर देखा कि उन्होंने वो लाइन काटी हुई थी तो वो समझ गए, जब उन्होंने भगवान के वचन पे वो लाइन काटी तो भगवान को ऐसा लगा कि उनको भगवान की उन्होंने पीठ पे कोड़ा मारा हो। भगवान स्वयं उनको प्रूव करने लगे कि तुम्हें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी सारी चिंता का बोझा मैं उठाऊंगा। भगवान पूरा उनका सम्मान भी लेकर आए और बोला नहीं ये लाइन मत काटो क्योंकि मैं स्वयं आपका बोझा उठाता हूं। तो ये भगवान अपने भक्तों के लिए इस प्रकार से, तो ये सब जो कथाएं हैं ये हमें विश्वास दिलाने के लिए है। हमें क्या करते हैं, जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो हम भगवान के पास आते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। अगर हमारी प्रार्थना सुन ली जाती है तो हम बोलते हैं ये बड़ा सिद्ध मंदिर है ना, ये कृष्ण बलराम जी बड़े सिद्ध हैं। और कई बारी बाय चांस हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई तो बोलते हैं ये तो पत्थर है ना, कहीं और सिद्ध मंदिर ढूंढते हैं। कोई बोलेगा वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, सारी आपकी मन्नतें पूरी हो जाएंगे। नहीं, पूरा हमें विश्वास रखना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हमें भगवान की शक्ति पे तो विश्वास है, भगवान की बुद्धि पे विश्वास नहीं है। हम चाहते हैं कि जो हमारी योजनाएं हैं जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही भगवान करें, और वैसा नहीं करेंगे तो विश्वास नहीं होगा। तो ये तो मानते हैं कि मेरे में तो शक्ति है नहीं, जो मैं चाहता हूं वो तो मैं खुद कर नहीं सकता, इसके लिए भगवान की शक्ति चाहिए। लेकिन होना वही चाहिए जो मैं चाहता हूं, बुद्धि मेरी चलेगी शक्ति आपकी चलेगी। भगवान कहते हैं अरे भैया सृष्टि की रचना मैंने की है, बुद्धि भी मेरी चलेगी और शक्ति भी मेरी चलेगी, है ना। तो कई बारी हमारी योजनाएं सफल भी हो सकती हैं, नहीं कई बारी हो सकता है भगवान हमारी योजनाओं को सफल ना करें। अगर योजनाएं सफल नहीं भी होती तब भी भगवान हमारा उसमें भला कर रहे होते हैं। लेकिन हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमें अपने मन के द्वारा भगवान का ही चिंतन करना चाहिए, भगवान पे पूरा विश्वास होना चाहिए। मेरी जो आवश्यकता है भगवान करेंगे, और जो है, जो नहीं है वह देंगे, और जो है उसकी रक्षा करेंगे। देखिए चिंतन किसके द्वारा होता है, मन के द्वारा। तो मन का कार्य होता है थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग, सोचना, चिंता करना, उसको महसूस करना, और फिर वो बाद में इच्छा में परिणित हो जाता है। तो सोचता तो हर कोई व्यक्ति है। अब मेरे पास ये विकल्प है, मैंने अपनी स्वेच्छा का उपयोग करना है कि मुझे चिंता करनी है कि चिंतन करना है। चिंता बहुत खतरनाक है, कहा गया है चिता चिंता मध्ये न बिंदु मात्र अंतरम। चिता और चिंता के अंदर एक ही बिंदु का अंतर है ना, एक चिता होती है और एक चिंता होती है। लेकिन चिंता दहति सर्वम, चिता तो मृत शरीर को जलाती है लेकिन चिंता जीवित शरीर को ही जला देती है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें चिंता ना करके क्या करना चाहिए, चिंतन करनी चाहिए। उसी मन से हम चिंता भी कर सकते हैं और उसी मन से हम भगवान का चिंतन भी कर सकते हैं। भगवान कह रहे हैं चिंता मत करो, जो तुम्हारा बोझा है मैं उठा लूंगा। हर व्यक्ति संसार में तरह तरह की समस्याओं से ग्रसित है, उसकी पारिवारिक समस्याएं हैं, उसकी व्यापारिक समस्याएं हैं, उसकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं। और हम कहते हैं प्रभु जी, हम बोलते हैं आओ मंदिर में आओ जप शुरू करो, तो क्या उत्तर मिलता है, पहले समस्याएं निपटा लूं उसके बाद, है ना। मैं आप जो कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे, अभी कुछ समय दो, कुछ चल रहा है मेरा ना, ये प्रोजेक्ट अटका हुआ है, कुछ डील अटकी हुई है, ये हो जाए फिर मैं करता हूँ, है ना। मेरी पुत्री का विवाह हो जाए, यहाँ कुछ बहुत कोर्ट केस फंसा हुआ है, ये हो जाए ठाकुर जी इसको निपटा दें फिर देखो, मैं तो आ ही जाऊंगा जी, आपके यहीं रहूंगा फिर। नहीं, हमारा तो पूरी योजना बनी हुई है, बस आप मुझे 5-10 साल दे दीजिए बस, फिर तो मैं तो पूरा, मेरे तो मन ही मन में भगवान का नाम चलता रहता है, बस ऐसी परिस्थितियां मैं कर नहीं पा रहा, ये परिस्थितियां मैं सेट कर दूं फिर मैं आऊंगा, है ना। ये बड़ा साधारण सा हमें रिप्लाई सुनने को मिलता है, लेकिन क्या गारंटी है कि हम उस 5-10 साल तक जीवित रहेंगे। समय ऐसे निकलता है हमें पता भी नहीं, काल हम सबको ग्रस्त कर रहा है ना, काल की चाल जो है बहुत सूक्ष्म है, हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब समय निकल गया। इसलिए इस मनुष्य जीवन का एक एक क्षण बहुत कीमती है,
एक वर्ष निकल गया पता भी नहीं चला. पता चला किसी को कैसे एक क्षण में एक वर्ष निकल गया. और कई बारी जब हम 40-45 क्रॉस करते हैं और अपने आप को शीशे में देखते हैं तो विश्वास नहीं होता, अरे मैं हो गया हूँ, है ना, सर के बाल उड़ गए. लेकिन आजकल लोग सच्चाई से दूर भागते हैं. सर के बाल उड़ गए तो सहन नहीं कर पाते, नकली बाल लगवा लेते हैं. एक बार वो भक्त दिखाई दिए मुझे, मैं कहा यार लगता है इनको कहीं देखा हुआ है, बड़े जवान जवान से लग रहे हैं. तो दिखा रहे ये तो वही है, पूरे बाल बाल लगा लिए अपने. इतने हजारों रुपये खर्च देंगे नकली बाल लगवाने के लिए और रंगवाने के लिए, जिसके बाल हैं सफ़ेद हो रहे हैं तो उसको लाल पीला कर देते हैं. तो बुढ़ापा स्वीकार नहीं कर सकता कोई, लेकिन समय बहुत जल्दी से निकल रहा है. तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, तुरंत भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए तुरंत, और भगवान का जो अपना जो मन है भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए. भगवान के एक विशेष अवतार हुआ थे वामन देव जी का. तो जब वामन देव जी बलि महाराज की सभा में आए तो बलि महाराज एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे और वामन देव जी बहुत सुंदर छोटे बालक का रूप लेकर आए. तो बलि महाराज ने कहा कि हे ब्राह्मण बालक, बोलो क्या चाहिए. पूरा राज्य चाहिए, कोई देश चाहिए, पदवी चाहिए, कोई स्त्री चाहिए, जो चाहिए दे दूंगा. तो उस बालक ने कहा नहीं, मुझे तो केवल आप 3 बग भूमि दे दीजिए. तो बलि महाराज ने कहा तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो, मैं पूरे ब्रह्मांड का स्वामी हूँ और तुम्हारे पांव छोटे छोटे हैं, कुछ बड़ी अच्छी चीज़ मांगो. तो फिर वामन देव जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया. वामन देव जी ने कहा जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है उसको आप पूरे विश्व का भी धन दे दोगे तो वो संतुष्ट नहीं होगा, और जिसका मन और इंद्रियां संयमित है वो जीवन की हर परिस्थिति में संतुष्ट रहे. तो हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए कि हम हर परिस्थिति में संतुष्ट रहे. भगवान भगवद्गीता के 17वें अध्याय में शरीर की तपस्या बताते हैं, मन की तपस्या बताते हैं और वाणी की तपस्या बताते हैं. मन की तपस्या बताते हुए भगवान बताते हैं मनः प्रसादम सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशोधिति एतात् तपस मानस उच्यते. मन की पहली तपस्या है भगवान कहते हैं मनः प्रसाद, कि मन को संतुष्ट रखना चाहिए. ये एक तपस्या है, यानी कि मन अपने आप संतुष्ट नहीं होगा, मन को संतुष्ट रखना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, तपस्या अपने आप हो नहीं जाती. परसों 1 जनवरी को एकादशी है तो एकादशी का व्रत रखना पड़ता है, अपने आप एकादशी नहीं हो जाती, ठीक है ना, तपस्या करनी पड़ती है. इसी ढंग से हम समझते हैं हमें संतुष्ट कब होंगे, जब हमारे मन की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी. भगवान कहते हैं नहीं, संतुष्टि ऐसे नहीं है. संतुष्टि कोई भाव नहीं है कि आपने मेरे मनचाही बात पूरी कर दी तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा. नहीं, भगवान कहते हैं संतुष्टि एक तपस्या है कि आप संतुष्ट रहिए, जैसे भी परिस्थिति में है वहां आप उसमें आप संतुष्ट रहिए. हमारे आचार्यगण बताते हैं कि 3 चीजों में हमेशा हर किसी को संतुष्ट रहना चाहिए. और क्यों 3 चीजें क्या हैं? पहली चीज, जैसे पति या पत्नी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहो. दूसरा, जितनी आय मिल रही है स्वतः उसमें आप संतुष्ट रहो. और तीसरा, जैसा भोजन प्राप्त हो रहा है उसमें आप संतुष्ट रहो. आज के हम समाज में देखते हैं इन 3 ही चीजों में असंतुष्टि है ना, कोई भी अपने पति पत्नी से संतुष्ट नहीं है. अगर आप सर्वे कर लेंगे और देखिए कितने डाइवोर्स रेट्स बढ़ गए हैं, और समाज में कोई भी संतुष्ट नहीं है एक दूसरे से, और इसीलिए घर घर में क्लेश है. तो क्या है, जैसा धर्म पति पत्नी मिले हैं उसमें आप संतुष्ट रहिए. दूसरा क्या, जितने आपकी आय है उसमें आप संतुष्ट रहिए. हम नकल करते हैं कि उसकी आय इतनी क्यों तो मेरी क्यों नहीं, कॉम्पिटिशन करते हैं और हमेशा विचलित रहते हैं, उसमें संतुष्ट रहिए. और तीसरा, जो भोजन प्राप्त हो, आज फिर नमक कम है, रोज वही बना देते हो, हद हो गई, ये जो है उसमें संतुष्ट रहो. और 3 ऐसी चीजें हैं जिसमें कभी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए. वो क्या है, भगवान का नाम लेने में.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. इन तीन चीजों में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, है ना? ये नहीं कि हो तो कोई 16 माला, नहीं नहीं, मैंने आपको एक माला का प्रॉमिस किया था। कई बार भक्तों से जबरदस्ती करते, करो शुरू तो करो, शुरू तो करो, तो कहते ठीक है जी, आप इतना कह रहे हैं तो एक माला, है ना? एक बार हम कॉलेज में गए थे, जब प्रचार करते थे तो एक स्टूडेंट था, आता था क्लास में लेकिन माला नहीं करता था। तो बोला यार एक माला कर लो। है माला नहीं, माला नहीं प्रभु, माला नहीं करेंगे। अच्छा यार 108 बारी पूरे दिन में ऐसे ही बोल लेना, 108 बारी? नहीं बिल्कुल नहीं। तो मैं कितना बोलोगे यार? कहता एक मंत्र बोलूंगा। बहुत कन्विंस करने का प्रयास किया तो एक मंत्र बोलना शुरू किया उसने। फिर मिलते थे कुछ, मैंने कहा प्रभु कितने मंत्र है? एक मंत्र, कुछ तो बढ़ा दो। ठीक है 4 मंत्र बोलूंगा। फिर 8 मंत्र पे आ गया, तो धीरे धीरे करते करते वो 64 मंत्र पे आ गया, माला नहीं करूँ। तो एक बार हम ऐसे थे तो मित्र के साथ खड़े थे, तो मंदिर में आया, फंक्शन था कोई, तो मैंने कहा और कैसे है प्रभु? कहता हाँ 64 चल रहा है। तो जो साथ में बैठे थे बोले यार मान के क्या प्रचार कर रहे हो, ये स्टूडेंट 64 माला कर रहा है। मैं 64 माला नहीं, 64 मंत्र कर रहा। तो कई बार थोड़ा सा मंत्र लेके उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। नहीं, ज्यादा से ज्यादा कीर्तनीय सदा हरे। तो नया वर्ष आ रहा है तो हर किसी को ये चिंता होनी चाहिए। चिंता करनी भी तो इस बात की चिंता करो कि मेरा हरिनाम इतना कम क्यों है, या मेरे हरिनाम की क्वालिटी इतनी खराब क्यों है। ये मनुष्य जीवन कभी भी छिन जाएगा। और क्या मेरी अब इस समय स्थिति है कि इस समय मृत्यु आई? भगवान कहते हैं अंत काले से माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति से मद भावनाति अस्य तत्र संशया। क्या अंत काल में मैं भगवान का स्मरण कर पाऊंगा? ये चिंता होनी चाहिए। क्या मेरी चेतना इतनी उत्कृष्ट है? नहीं, अभी भी मेरे मन में तरह तरह के विषय घूम रहे हैं, कामुक वच्छाएं हैं, तो कैसे मेरा उद्धार होगा? अगर इसी समय मेरी मृत्यु हो गई और मेरे मन को चेक किया जाएगा मन में क्या भाव है, तो बहुत खतरनाक बात है। पता नहीं मैं किस योनि में जाऊंगा। डरना चाहिए, इसकी चिंता होनी चाहिए। तो इस चिंता कैसे दूर हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा हरि नाम लेकर। तो इसलिए हरि नाम में संतुष्टि नहीं होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हरि नाम में। दूसरा, सेवा करने में कोई संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। जब सेवा का मौका मिले हमें सेवा के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि वही हमारा स्वरूप है। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। भगवान की सेवा का मौका हमें श्रीमती राधा रानी के द्वारा प्राप्त होता है। इस जीव की जितनी भी सेवाएं हैं सारी की सारी सेवाएं राधा रानी के माध्यम से ही कृष्ण को जाती हैं। श्रीमती राधा रानी भगवान की सबसे बड़ी सेविका हैं और वही सेवा डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और वही सेवा भगवान तक पहुंचाती हैं। तो अगर हमें कोई सेवा का मौका मिलता है तो बहुत उत्साहपूर्वक उस सेवा को लेना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए प्रभु जी मैं ही मिला आपको और कोई नहीं मिला, आप ये सेवा के लिए मुझे ही क्यों पकड़ते हो हर बार। नहीं, हर सेवा एक समान है और उस सेवा को बड़े उत्साह से करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सेवा में हम भाग लेना चाहिए। तो हरि नाम में संतुष्टि नहीं, सेवा करने में संतुष्टि नहीं, और दान देने में कोई संतुष्टि नहीं, है ना? ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अगर वो धन है, वो जो अर्थ है, उसको हमने भगवान की सेवा में नहीं लगाया तो वो अनर्थ बन जाता है। दो प्रकार के प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट में। एक को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एबंडेंस और एक को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्केयरसिटी। प्रिंसिपल ऑफ एबंडेंस में बोलते हैं, इसको हिंदी में बोले प्रचुरता का सिद्धांत और तंगी का सिद्धांत, किल्लत का सिद्धांत। प्रचुरता का सिद्धांत क्या है? उसमें कहते हैं मोर यू गिव मोर यू गेट। आप जितना देंगे उतना ही आपको प्राप्त होगा, क्योंकि देने वाले कौन है? भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है। और वो देखते हैं कि मैं इसको दे रहा हूं और ये आगे और मेरी सेवा में लगा रहा है, तो ये जो चैनल बिल्कुल ठीक है, इसको और दो। और हमने व्यक्तिगत रूप से देखा, कई भक्तों से मिले, वो कहते हैं हमारा जीवन पूरे इसी सिद्धांत पर आधारित है, मोर यू गिव मोर यू गेट, दो। और कई लोग होते हैं सब कुछ है भी लेकिन तंगी, दिल छोटा सा, नहीं नहीं है, नहीं 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 है। तो लेस यू गिव लेस यू गेट। भगवान कहे आगे लगा ही नहीं रहे मेरी सेवा में, तो क्यों दूं? पूरी की पूरी सप्लाई रोक लेते हैं।
तो इसलिए तीन चीजों में कभी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए. कौन कौन सी? हरि नाम लेने में, सेवा करने में और भगवान को दान देने में. भगवान ये नहीं देखते कि आपने कितना दिया, भगवान ये देखते हैं आपने कितना छिपाया. जो धन भगवान की सेवा में लग गया वो व्हाइट हो गया, जो धन भगवान की सेवा से छिप गया वो ब्लैक हो गया. वास्तव में सारा का सारा धन वो श्याम सुंदर का ही है. ब्लैक मनी, ब्लैक मास्टर, जो ब्लैक मैन है वो श्याम सुंदर है, सारा धन उन्हीं का है. उनको वापस नहीं किया तो वो क्या माना जाएगा? ब्लैक मनी माना जाएगा. तो इसलिए इन तीन चीजों में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए. तो नया साल आ रहा है, नए साल में अगर वास्तव में हम खुश रहना चाहते हैं, नया साल क्या इस जीवन के हर क्षण में हम वास्तविक खुशी चाहते हैं, तो सारा का सारा निर्भर करता है कि हम अपनी फ्री विल को, अपनी स्वेच्छा को कैसे उपयोग कर रहे हैं. क्या हम माया के दास बनना चाहते हैं कि कृष्ण के दास बनना चाहते हैं? माया दास सदा उदास, कृष्ण दास बिंदास. कृष्णदास हमेशा आनंद में रहेंगे, मायादास हमेशा उदास रहेंगे. माया देवी का एक नाम है रुद्राणी, वो रुद्र की भार्या है, उनका नाम है रुद्राणी. रुद्राणी का अर्थ होता है कि जो हमें हमेशा रुलाती रहे. और हम देखते हैं जीव इस संसार में आता है रोते हुए और रोते हुए चला जाता है. माँ के गर्भ में जीव को बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं और बहुत कष्ट सहते हैं, अंदर ही अंदर वो रोता है. इसलिए जब भी बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलता है हमेशा रोते हुए बाहर निकलता है. आपने कोई ऐसे बच्चा देखा बाहर निकल रहा है हंसते हुए, हेलो हरे हरे कृष्णा हरी बोल, रोते हुए आता है, जोर जोर से रोते हुए वैं वैं करके रो रहा है ना. और कई बार उसको इतनी पीड़ा होती है कि बेचारा बेहोश हो जाता है, वो रोता नहीं है. तो डॉक्टर चिंतित हो जाते हैं और डॉक्टर उसको उल्टा लटका के थाड़ 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 थप्पड़ मारते हैं, पिटाई करते हैं उसकी, और फिर वो रोना शुरू करता है. जब वो रोता है तो डॉक्टर मुस्कुराता है, वो बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशंस द चाइल्ड इज नॉर्मल. बच्चा रो रहा है ये नॉर्मल है, अभी रोता रहेगा है ना. पहले चुप था तो अब नॉर्मल था, रो रहा है तो नॉर्मल है. और चाहे बच्चा रोता है उसके बाद उस बच्चे की भाषा कोई समझ नहीं पाता, उसको दर्द हो रही है तो माँ सोचती है भूख लग रही है, उसको दूध पिला देती है, उसका दर्द और बढ़ता है. भूख लग रही होती है उसको दवाई पिला देती है. बच्चा अपने को समझा भी नहीं पाता. बड़े बड़े पेडियाट्रिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अपनी स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं बच्चे की रोने के ध्वनि को सुनकर समझो उसको भूख लगेगी, पेट में दर्द हो रहा है. तरह तरह की वो थ्योरीज निकाल रहे हैं, यूट्यूब में नए नए फिलोसफीज हैं कि बच्चा ऐसे रो रहा हो तो समझो ये है, ऐसे रो रहा हो तो ये है. किसी को नहीं पता, बच्चा बेचारा परेशान है, मेरी कोई बात तो समझे लेकिन बात कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता. उसको बेचारा बेड में पड़ा है, वही मलमूत्र तो त्याग देता है, किसी को परवाह ही नहीं उसकी, कितनी परेशानी है. फिर उसको बड़ा होता है थोड़ा सा, ढाई साल का होता नहीं, उसको स्कूल में भेज देते हैं. जाओ, आपने कभी उस बच्चे को देखा जो पहले दिन स्कूल जा रहा हो, कितनी जोर जोर से रो रहा होता है. उसको लगता है मेरे माता पिता सबसे बड़े दुश्मन है, जोर जोर से, कितना दुखी है बेचारा. देखिए उसके बाद स्कूल में इतना प्रेशर, फिर कैरियर को बनाना है, कोचिंग क्लासेस में जाना है, किसी अच्छे स्कूल में कॉलेज में एडमिशन चाहिए, उसके बाद कहीं अच्छी नौकरी चाहिए, फिर नौकरी तो बिजनेस को कैसे सेटल करना है, ये सब किस लिए, किसके लिए, तो कौन से विवाह कौन करेगा, विवाह हो भी गया तो उसको चलाना गृहस्थी को, फिर बच्चे पैदा करना, फिर उनको सेटल करना, फिर तरह तरह की बीमारियाँ लग जाना, पूरा जीवन देखिए आप, संघर्ष ही संघर्ष है. तो रुद्राणी देवी रुलाती रहेगी अगर हम माया की शरण लेते हैं, और हम कृष्ण की शरण लेते हैं तो सदा बिंदास हमेशा आनंद में रहेंगे. और ये सब चीजों में, इस संसार में रहते हुए भी इन संसार के कष्टों से हम प्रभावित नहीं होंगे. रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो कृष्ण भक्त कहलाएगा. नहीं तो सब रोते हुए आते हैं, सब रोते हुए चले जाते हैं. तो कैसे जाना चाहिए, हंसते हुए जाना कि नहीं जाना? हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने चिंतन को बढ़ाना पड़ेगा. इस संसार में धन नहीं है, घर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये चिंता तो पार्श्विक चिंता है, पशु भी इसकी चिंता करते रहते हैं. नायम देह देह बाजम नलोके कष्टान कामन हर तु विन बुजामे.
तपो दिव्यम पुत्रकम ये न सत्वम शुद्धेद अस्माद ब्रह्म सुख्यम तुम अनंतम। ऋषि भगवान बताते हैं, जो भगवान के एक बहुत अवतार हैं, और अपने 100 पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं कि ये मेरे 100 पुत्रों यानी हम सबको वो शिक्षा दे रहे हैं। नायम देह दे बाजम ने लोके कष्टान कामन हर तु विंड बुजाम। ये जो मनुष्य शरीर इसलिए नहीं मिला कि शुकर और कुकर की तरह ये चिंता करते रहो कि मेरा भोजन कहाँ है, मैथुन कहाँ है, रहने की जगह कहाँ है। ये तो पशु उस चीज की चिंता करते हैं। आपको जीवन किस लिए मिला मनुष्य जीवन? तपो दिव्यम पुत्रकम ये न सत्वम शुद्धेद अस्माद ब्रह्म सौख्यम तुम अनंतम। दिव्य तपस्या करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, ताकि आपका जो हृदय है वो शुद्ध हो। जब हृदय शुद्ध होगा तभी सुख की प्राप्ति होगी। दूषित हृदय के साथ सुख की कल्पना भी मत कीजिए। दूषित हृदय का अर्थ है काम वासनाएं, भोग करने की इच्छा, अपने आप को कृष्ण मानने की इच्छा, ये हमारे दुख का कारण है। बड़े दुख की बात है, लोग कृष्ण को भूलकर आनंद लूटना चाहते हैं। अरे कृष्ण का नाम ही आनंद है, आनंद को भूलकर आप आनंद में कैसे रह सकते हो? कृष्ण भूलिया जीवन आदि वही मुखे अतेव माया तार दे संसार दुखे। संसार में हमारे दुखों का कारण ही यही है कि हम कृष्ण को भूल गए। हमारे संसार में दुखों का कारण ये नहीं है कि हमारे पास पैसा कम है, हमारा घर छोटा है, मेरी सास गंदी है, मेरे को ये बीमारी है, मेरे को वो बीमारी है, मेरा बेटा कहना नहीं मानता, ये दुखों का कारण नहीं है। दुखों का कारण है भगवान को भूलना। हम सब भगवान की तटस्था शक्ति हैं। हमारे पास ये विकल्प था कि हमने भगवान का स्मरण करना है कि भगवान को भूलना है। हमने भगवान को भूलकर आनंद में रहने का प्रयास किया, लेकिन भगवान को भूलकर कोई भी जीव आनंद में नहीं रह सकता। तो इसलिए अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि हम खुद भी आनंद में रहें और दूसरों को भी आनंद में लाएं, तो हमें खुद भी कृष्ण का स्मरण बढ़ाना है और दूसरों से भी ये निवेदन करना है कि आप भी कृष्ण की शरण ग्रहण कीजिए, तभी पूरे समाज में सुख शांति आ सकती है। हम लोगों को अगर चिंता होनी चाहिए तो ये चिंता होनी चाहिए कि मेरी चेतना कैसे आगे बढ़े, मेरी चेतना कैसे उत्कृष्ट हो। अगर वास्तव में चिंता करनी तो ये चिंता करनी चाहिए कि समाज की जो दुर्गति हो रही है इसको कैसे सुधारा जाए, परोपकार कैसे किया जाए, ये चिंता होनी चाहिए। और भक्ति में आने के बाद ऐसा नहीं है कि हम भक्त लोग चिंता नहीं करते, भक्त लोग अपने चिंता की क्वालिटी को बदल देते हैं। एक साधारण व्यक्ति चिंता करते मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, भक्त लोग ये चिंता करते हैं कि पूरे समाज का क्या होगा, कैसे लोग नर्क की तरफ जा रहे हैं, नर्क की तरफ जाते हुए इनको कैसे भगवत धाम की ओर ले जाना है। शिला प्रभुपाद को यही चिंता थी, तभी 70 वर्ष की आयु में वृद्ध अवस्था में वृंदावन को छोड़कर वो अमेरिका में जाते हैं। कभी किसी आपने 70 वर्ष के व्यक्ति को देखा है, वो दूसरों पर मोहताज हो जाता है अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए, लेकिन शिला प्रभुपाद वृंदावन जैसे शुद्ध स्थान को छोड़कर अमेरिका जैसे बीहड़ स्थान पर जा रहे हैं, वहाँ हिप्पीज के बीच में रह रहे हैं, कुछ पता नहीं कहाँ पे जाएंगे वो, और धीरे धीरे उन सब को उन्होंने क्या बना दिया, परम वैष्णव बना दिया। तो इस प्रकार से जो नया साल आ रहा है या नए दिन आ रहे हैं, प्रतिदिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि आज पूरा दिन मैं कृष्णा भाना भावित रहूँगा, आज पूरा दिन मैंने कृष्ण का चिंतन बढ़ाना है। जब भगवान के सामने आए तो हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि कैसे आज मुझे शक्ति दीजिए कि मैं पूरा दिन आज आपका स्मरण कर सकूं। रात को सोने से पहले ये प्रार्थना करनी चाहिए, सुबह उठने के बाद ये प्रार्थना करनी चाहिए कि आज मैं आपका ध्यानपूर्वक जप कर सकूं, अच्छे ढंग से भक्तों का संग कर सकूं। अगर हमें भगवान का चिंतन बढ़ाना है उसके लिए 2 चीज़ें बहुत आवश्यक है। कोई बता सकता है कौन सी 2 चीज़ें आवश्यक हैं? हाँ, भक्तों का संग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। जैसा हम संग करेंगे वैसा हमारा चिंतन हो जाएगा, तो भक्तों का संग सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप लोग यहाँ रविवार के कार्यक्रम में आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसके साथ और भी आप आइए, हमारे कई भक्ति भिक्षा कार्यक्रम हैं उसमें भी जुड़िए, और इससे क्या होगा, जितना हम भक्तों का संग करेंगे, संगात संजाय ते कामा, वैसे ही हमारे में रंग आएगा, वैसी हमारी इच्छाएँ होंगी। तो सबसे महत्वपूर्ण है भक्तों का संग। अगर आप वास्तव में अपने जीवन में सुख चाहते हैं तो भक्तों के संग को बढ़ाइए। और दूसरा है, दूसरी कैसे हम चिंतन बढ़ाएंगे? हरि नाम, ज्यादा से ज्यादा हम हरि नाम लेके। तो ये 2 कार्य हमें कर रहे हैं,
अगर हम वास्तव में अपने जीवन में असली सुख चाहते हैं कि हम हरि नाम बढ़ाएं और साथ में भक्तों का संग. आप में से कितने लोग कम से कम एक माला का जप करते हैं प्रतिदिन? यानी कि उल्टा प्रश्न पूछूं, आप में से कितने लोग बिल्कुल भी जप नहीं करते ईमानदारी से? जय श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम की. श्री श्री गौनिताय की जय. श्री श्री कृष्ण बलराम. आप में से कितने लोग बिल्कुल भी हरि नाम का जप नहीं करते? हाथ बड़ा खड़ा कर दीजिए, कोई बात नहीं, शर्माने की बात नहीं है. 1, 2, 3, 4. तो आपसे निवेदन है कि नए साल में या कल से ही, अभी से ही क्या शुरू करें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. और जो लोग 16 माला से कम करते हैं, कितने लोग हैं जो 16 माला से कम करते हैं प्रतिदिन? तो कुछ आपको प्रेरणा मिल रही है? कब तक विचार है 16 माला तक आने का? अगले साल तक आना है 16 माला कि नहीं? कितने लोग कहते हैं कि हाँ 2019 की शुरुआत में 16 माला के साथ करूंगा? तो इन सब भक्तों के लिए जो 16 माला नहीं कर रहे थे, वो कर रहे हैं, 16 माला की शुरुआत करेंगे, इन सबके लिए क्या बोलेंगे हम? हरि बोल. और जो लोग कम माला कर रहे हैं उनसे हमारा निवेदन है, इस सुंदर अवसर का पूरा लाभ उठाइए. हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है, और भारत भूमि में जन्म माने के बाद हमें शीला प्रभुपाद जैसे प्रमाणिक गुरु की शरण मिल रही है, तो इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए. और हमें ये तपस्या, शुरू शुरू में तपस्या लगेगी लेकिन बाद में बहुत आनंद देगी कि हम हरि नाम लें और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों का संग बढ़ाएं. यही एकमात्र तरीका है, तब हम कह सकते हैं हाँ मेरा नया साल वास्तव में आनंदमय होगा. लेकिन वही पुराने स्टाइल में हम चलते रहे तो फिर कहने मात्र से और सुनने मात्र से कोई लाभ होने वाला नहीं है. हरे कृष्णा. किसी का कोई प्रश्न है या टिप्पणी है? एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्णा. आप प्रश्न पूछ सकते हैं भक्त हाथ खड़ा करके, कोई भी आज की कक्षा से है वैसे भी. हरे कृष्णा. आत्मा और बुद्धि जो है एक ही है ना, अलग नहीं है? आत्मा और बुद्धि एक ही है, अलग नहीं है? नहीं. भगवान गीता के 3rd अध्याय में कहते हैं कि इंद्रियाणि प्राणुहम इंद्रियार्थे परम मना मन तस्तु परा बुद्धि बुद्धि परे तस्तु सह. बुद्धि से भी परे आत्मा है, आत्मा बुद्धि से भी परे है. आत्मा चिन्मय है, बुद्धि चिन्मय नहीं है. बुद्धि को चिन्मय बनाया जा सकता है भगवान की सेवा में लगाकर, लेकिन आत्मा बुद्धि से परे है, सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है. ठीक है. जो आपको लगता है कि हमारे हृदय से कुछ आवाज आ रही है, जो बुद्धि देने वाले हैं, वो परमात्मा है. परमात्मा हमें इंटेलिजेंस देते हैं, प्रेरणा देते हैं, उसके अनुसार हम कार्य करते हैं, लेकिन वो अलग है. हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रभु जी, हाउ डज दिस हरे कृष्णा मंत्र वर्क्स? हमारे हृदय रूपी कमल में भी भगवान कृष्ण रहते हैं और गोलोक धाम में भी रहते हैं, तो कनेक्शन कैसे बनता है, हृदय कैसे शुद्ध होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, वेरी गुड. आपने इतना अच्छा प्रश्न पूछा कि हरे कृष्ण महामंत्र कैसे काम करता है, हमारे हृदय में भी भगवान है, गोलोक धाम में भी काम है, तो एक कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश होता है, कौन सा जियो कनेक्शन है, क्या है? तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं ये हरे कृष्ण महामंत्र टेलीफोन नंबर है भगवान का, है ना. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. और चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान हैं, वो आए, उन्होंने एक श्लोक में बताया, पहले श्लोक में, चेतो दर्पण मार्जनम. जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे हृदय की सफाई शुरू होती है. हालांकि भगवान हमारे हृदय में हैं, लेकिन हमारे हृदय में कई जन्मों की गंदगी इकट्ठी हो गई है. गंदगी का अर्थ है भगवान को भूल कर भोगने का प्रयास करना. ऐसे बहुत से गंदे संस्कार इकट्ठे हो गए, तो जब वो संस्कार इकट्ठे हो गए हैं
तो ना तो हम अपने आप को देख सकते हैं ना भगवान को देख सकते हैं। उस हृदय की तुलना एक दर्पण के साथ की गई है। जैसे दर्पण के ऊपर कोई बहुत गंदगी मैल जम जाए तो कुछ भी दिखाई नहीं देता या उल्टा सीधा दिखाई देगा। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र में तीन शब्द हैं, हरे कृष्ण और राम। हरे कौन है? राधा जी। उनको हरे क्यों कहते हैं? हाँ, हरि भगवान का एक नाम है। हरि का अर्थ होता है जो हमारे सारे दुखों को अमंगल को हर ले, और जो हरि को भी हर ले वो कौन है? राधा रानी। तो जैसे गंगा गंगे लता लते बुलाते हैं संस्कृत में, तो राधा रानी को हरे करके संबोधन किया जाता है। तो हरि हरे हो गए राधा रानी। कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षति इति कृष्णा, जो सबको अपने प्रति आकर्षित कर ले वो है कृष्ण। और राम का अर्थ होता है जो परम आनंद प्रदान करने वाले। तो हम ये निवेदन करें जब हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं, हे राधा रानी, हे भगवान श्री कृष्ण, हे परम आनंद देने वाले प्रभु, कृपया करके आप मुझे अपना प्रेम दीजिए, अपनी सेवा दीजिए। क्योंकि भगवान की सेवा नहीं करना यही हमारे में त्रुटि है। और जब ये हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हम भगवान से उनकी सेवा मांगते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होना शुरू होता है। जब हृदय शुद्ध होता है तो हमारा भगवान के साथ संपर्क स्थापित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कार्य करता है। और फिर इसका आप अनुभव करेंगे, जितना ध्यानपूर्वक आप बोलेंगे और सुनेंगे उतना जल्दी आपका हृदय शुद्ध होगा, उतना ज़्यादा आप आनंद अनुभव करेंगे। जब मन में गोलोक धाम के कृष्ण को कर रखें या हृदय कर रखें, कैसे? नहीं, आपको अभी ये नहीं सोचना, मन में भी परमात्मा है, मन में जो कृष्ण का विस्तार है परमात्मा, गोलोक धाम में भी भगवान है, हृदय में भी भगवान है, लेकिन हमारा हमारे किसी के साथ कनेक्शन नहीं है अभी। लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, वो कृष्ण और कृष्ण के नाम में भी कोई अंतर नहीं है। तो भी हमारा कृष्ण के साथ जो पहला संपर्क स्थापित होता है उनके नाम के द्वारा। तो अभी आप नाम को ही ग्रहण कीजिए, नाम को बोलना है, नाम को सुनना है, नाम को बोलना है, नाम को सुनना है, बस। नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो आप ये मत सोचिए कि अंदर वाले कृष्ण को, ऊपर वाले कृष्ण को, आप खाली हरि नाम को पकड़िए बस। हरि नाम भी वैसे उतने ही शक्तिशाली हैं जो गोलोक धाम में रहने वाले कृष्ण हैं। तो उनको पकड़िए, उनको बोलिए, उनको सुनिए, उनको बोलिए, उनको सुनिए, तो आपको साक्ष कृष्ण का पूरा साक्षात्कार हो जाए। ठीक है, एक प्रश्न और प्रभु जी, ये मन हमेशा हमें डराता रहता है, इसका क्या क्या, तो इससे हमारा जो विश्वास है वो कभी कभी डोलता रहता है। हाँ, इसका क्या इलाज? मन बहुत चंचल है और मन हमेशा हमारे अंदर संशय उत्पन्न करता रहेगा कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, ये है ऐसे करूँ वैसा करूँ। इसलिए क्या करना चाहिए, भगवान गीता में बताते हैं मन को अभ्यास और वैराग्य के साथ रोका जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। तो अभ्यास में हम आपको दो चीज़ें बताई, अभ्यास में दो चीज़ें क्या हैं कि आप हरि नाम का जप कीजिए और भक्तों का संग कीजिए। और वैराग्य में क्या है, वैराग्य में जो चीज़ें नहीं करनी, तो ऐसे लोगों का संग ना कीजिए जिनकी भगवान में श्रद्धा नहीं है। वो सबसे बड़ा खतरनाक होता है कि जब हम ऐसे लोगों का संग करते हैं जो भगवान की भक्ति में नहीं जुड़े हुए, उससे हमारी श्रद्धा पर बहुत बड़ा आक्रमण होता है। तो उनके संग से बचे, असत संग त्याग, उसको त्याग करें और भक्तों का संग बढ़ाएं। तो थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी भक्त का कोई प्रश्न, या माता जी की तरफ से कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच कि आप सबने इतने ध्यानपूर्वक श्रवण किया प्रभु जी का। तो हम प्रभु जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी ने हमें कितने सरलता से समझाया कि किस प्रकार से हम भगवान का चिंतन बढ़ा के अपने जीवन की चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। तो हम प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं कि हम प्रेरणा लें प्रभु जी से कि हम आने वाले नव वर्ष में भगवान के नाम का कीर्तन जप अपने जीवन में बढ़ा सकें और भगवान के चिंतन को बढ़ा सकें। प्रभु जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और साथ ही साथ प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही बीच बीच में प्रभु समय निकाल के, अपना कीमती समय निकाल के, कभी कभी हमारे बीच में भी हमें भी इस अमृत धारा का बूंद दे दिया करें। हरे कृष्णा।
आप सभी भक्तों के लिए प्रसादम की व्यवस्था ऊपर है, ठंड के कारण हमने बाहर नहीं ऊपर व्यवस्था की, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो आप सभी एक क्यू में जाके प्रसाद पा सकते, धन्यवाद।